अब आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी के भी गाड़ी चला सकेंगे। जी हां, सरकार ने डिजी लॉकर की सुविधा शुरू की है। ये एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कहीं भी और कभी भी इसे अपने मोबाइल फोन पर दिखा सकते हैं। अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी साथ रखकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट होती दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए सरकार ने डिजिटल लॉकर सुविधा की शुरुआत की है, जिसकी मदद से आप अपने सभी जरूरी कागजात की डिजिटल कॉपी अपने पास संभाल कर रख सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आप इन्हें अपने मोबाइल फोन पर दिखा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य मानी जाएगी। 19.5 करोड़ हमारे ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन अब डिजिटल लॉकर में आएंगे और करीब 10 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंसेस सारथी के ये भी इस डिजिटल लॉकर में आने के बाद अगर कहीं भी किसी को अगर रोका गया तो तुरंत मोबाइल फोन निकाल कर वो दोनों चीजें दिखा सकेंगे। डिजी लॉकर की शुरुआत तेलंगाना और दिल्ली में होगी। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC की मदद से तैयार डिजी लॉकर आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जगह पर डिजिटली स्टोर करने की सुविधा देता है। डिजी लॉकर में आप ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट जैसे बेहद अहम डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट खोलने के लिए आपको digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए होगा। वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पर आएगा, जिसे इस्तेमाल करके मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। डिजी लॉकर अकाउंट बनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को माई सर्टिफिकेशन सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से आप डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद पेपरलेस गवर्नेंस मुहैया कराना है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को मेरी अपेक्षा होगी और मेरा आग्रह भी होगा, अर्नब इज लुकिंग टू इट, हाउ कैन वी स्केल इट अप इनटू कॉमन सर्विस सेंटर्स, क्योंकि वहां पर भी लोगों के पास जरूरत होती है। तो गांव में ट्रैक्टर है, गांव में ट्रक है, गांव में बसेस है, गांव में टैक्सी है, तो उनको भी ये बताना जरूरी है कि तुम भी अपने डॉक्यूमेंट को इस पर अपलोड करना सीखो, डिजी लॉकर पे जाओ, बिकॉज दिस विल बिकम ए डिफरेंट सिंबल ऑफ देयर डिजिटल एम्पावरमेंट। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक देश में करीब 19.5 करोड़ गाड़ियां और करीब 10 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड हैं। मंत्रालय जल्द ही इनका डिजिटल डेटाबेस तैयार करेगा और इसका सीधा फायदा 15 से 20 करोड़ लोगों को होगा। समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डिजी लॉकर के आखिरकार फायदे क्या हैं। तो डिजी लॉकर के फायदे जान लीजिए। गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस आरसी साथ रखना अब आपके लिए जरूरी नहीं होगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी साथ नहीं होने पर चालान भी आपका नहीं कटेगा, जिसका पहले डर बना रहता था। ट्रैफिक पुलिस डिजी लॉकर पर लाइसेंस आरसी का वेरिफिकेशन कर लेगी। लाइसेंस आरसी की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास होगा मोबाइल ऐप, इसके जरिए इसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। गाड़ी ड्राइव करने वाले के पास भी यही मोबाइल ऐप होना जरूरी है। ड्राइवर पुलिस के पास ऐप होने से तुरंत होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन। अगर ये ऐप होगा तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। मोबाइल ऐप की मदद से इसका चालान जो है भरा जा सकता है। तो डिजी लॉकर के ये कुछ खास फायदे थे। डिजी लॉकर के बारे में आईटी मंत्रालय की डिजिटल टीम के सदस्यों से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। हमारे साथ बात करने के लिए सुपर्णा जी हैं और प्रियांक हैं। मैम, आप ये बताइए कि ये जो शुरुआत है ये किस तरह से लोगों को फायदा देगी और शुरुआत क्या है? टुडे बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ डिजिटल लॉकर जो मोबाइल ऐप है उसका इंटीग्रेशन था। तो अभी ये होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डायरेक्टली जो लाइसेंस इशू करके डिजिटल लॉकर में आपके अकाउंट में उसको जमा कर सकते हैं। तो अगर आपके अकाउंट आपने डिजिटल लॉकर में बना लिया तो आप डायरेक्टली लॉग इन करेंगे, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को लाइसेंस इशू हो, तो वहाँ पे आपको इशू होगा। तो एंड यू ऑल्सो ट्रैक की कितना दिन की टाइम बचा है वंस यू अटेंड द ड्राइविंग टेस्ट एंड ऑल। आप मुझे बताइए प्रियंक की जो तो शुरुआत हुई है, हम कह रहे हैं कि आपको डीएल और आरसी कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो डीएल और आरसी जिनके पास अभी है क्या उनको अकाउंट खोलना पड़ेगा या डायरेक्टली उस पर अपलोड होगा? नहीं, बेसिकली आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट खोलना ही पड़ेगा एक आधार से। आप आधार से बेटर है कि आप एक आधार से अपना एक लिंक करके एक डिजिटल लॉकर का अकाउंट खोल लें,
उसके बाद फिर जब आप उसमें अकाउंट ओपन कर लेंगे देन आप उसमें इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन एक आता है उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट पुल कर सकते हैं, मतलब उसमें फिर जब आप इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन जाते हैं उसके बाद फिर पुल डॉक्यूमेंट सेक्शन आता है, उसमें आप अपना देख लीजिए आपको डीएल चाहिए कि आरसी चाहिए, डीएल आरसी अपलोड कर सकते हैं उसमें वो इशू जो आपको ऑलरेडी हो चुका है ना वो आप डिटेल्स अपने आप निकाल सकते हैं। अगर आपको खुद अपलोड करना है तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट एक सेक्शन है उसमें अपना खुद ही आप फोटो से। सपोज मेरे पास आरसी और लाइसेंस है तो क्या ऑलरेडी उस पर डिजिटल लॉकर पर ये अवेलेबल होगा? अभी अगर आप अपना पैरामीटर्स उसको सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें होगा, वो ऑलरेडी होगा, बस आपको उसमें पुल करना है, फेच कर लेना होगा। अगर आप पैरामीटर्स दे के आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको आपका आरसी और डॉक्यूमेंट डीएल दिख जाएगा आपको वहाँ पे।